हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं या फिर आपके प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगे हैं, तो आज आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं जो कि आपके प्लांट में फिर से फ्लावरिंग करेगा और आपके प्लांट की पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। और कुछ बातें भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि आपका जो पौधा है वह कम से कम दिसंबर तक तो फ्लावरिंग करेगा ही, क्योंकि इसका जो डोरमेंसी टाइम होता है वह ज़्यादा तेज जब ठंड होती है दिसंबर लास्ट में या जनवरी तक यह जो है डोरमेंसी में जाता है और फिर यह फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। उसके बाद जो है यह प्लांट फरवरी में फिर से जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, तो आपका प्लांट जो है मरने भी नहीं पाएगा। अगर आप इस तरह से प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट जो है हरा भरा बना रहेगा तेज़ सर्दी में भी। तो आज जो है इसी पर मेरा वीडियो होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा यह वाइट अपराजिता का प्लांट है और बहुत ही अच्छी जो है फ्लावरिंग कर रहा है इस समय, और बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर भी आपको खिले नज़र आ रहे होंगे। तो कौन सा फर्टिलाइजर जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो आपको बताऊँगी। दोस्तों, अपराजिता एक सो पौधा माना गया है, इसको आप बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी प्लांट जो है लग जाता है। तो इस समय जो है इन प्लांट पर जो है फलियां बनने लगती हैं, यानी कि इनके बीज बनने लगते हैं। तो आपको पहला काम तो ये करना होगा कि अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में जो है रखना है, जहाँ पर इन प्लांट को जो है पूरे दिन की धूप मिलती रहे। तो धूप इन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि इन प्लांट्स में जो है आपको वाटरिंग अच्छे से करनी है। अगर यह पूरे दिन की धूप में रखा है तो वाटरिंग की भी नीड होती है इन प्लांट्स को, तो अच्छे से आप इन प्लांट्स में जो है वाटरिंग करिएगा और इसी तरह से आपके जो प्लांट हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और हरे भरे जो है बने रहेंगे। तो आगे मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि आपको कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है बनाना है, तो वो मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा होता है, वो सभी घरों में मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यह जो है प्याज और लहसुन के छिलके जो हैं इस तरह से 3 दिन से भिगो कर रखे हैं एक कंटेनर में। तो 3 दिन मुझे इनको भिगोए हुए हो गया है। इसको मैं अब आज छानूंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको छान लेना है इसको, और छानने के बाद मैं क्या मिलाने वाला हूँ वो भी आप देखिएगा। इस तरह से मैंने इसको छान लिया है। अपने इसमें जो है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसका लिक्विड तैयार कर लिया है प्याज लहसुन का। और अब यह जो जादुई सीक्रेट है, यह है 1 चम्मच कॉफ़ी, तो यह इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद जो इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप किसी भी प्लांट पर जो है इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यह सभी घरों में जो है फर्टिलाइजर तैयार हो सकता है, क्योंकि प्याज लहसुन तो रोज ही जो है यूज होता है। तो आप कॉफ़ी पाउडर इसमें 1 चम्मच मिलाकर अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अपने इसमें जो है सादा पानी मिलाऊंगी। उसके बाद जो है अपनी अपराजिता के पौधे में देने वाली हूँ। तो आप भी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करके अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है सोर्स होता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी कारिंग होगी हमारे सारे प्लांट्स पर और काफ़ी अच्छी प्रोटीन प्लांट्स की होगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो है इसका फर्टिलाइजर तैयार कर लिया है और अब मैं जो है अपने अपराजिता के पौधे पर जो है देने वाली हूँ। तो आपने प्लांटर की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिएगा। गुड़ाई करने के बाद जो है आप इस लिक्विड को जो है जैसा आपका प्लांटर का साइज हिसाब से आप 1-2 ग्लास जो है दे सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर को, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो प्लांट है पूरे दिन की धूप में रखा हुआ प्लांट है, तो आपको भी इस तरह से अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखना है और अच्छे से वाटरिंग करते रहना है, और फिर आपका प्लांट भी हरा भरा और ढेरों फूल देने वाला हो जाएगा। दोस्तों, एक ज़रूरी बात और बोलना चाहूँगी कि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आप 1 लाइक कर देंगे तो उससे थोड़ा हौसला बढ़ता है फ्रेंड्स हम लोगों का। तो लाइक कर दिया करिए वीडियो, कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसी जानकारी के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए और मैं भी आपके साथ हमेशा बनी रहूँगी। थैंक यू।